Please subscribe my channel The Bong Techniques Masala and press the bell icon for latest update video from this channel. Let's start. हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है ना? तो बढ़िया रहना, और नहीं बढ़िया है तो बढ़िया रहने की कोशिश करना. सो आज है पाँच अप्रैल. सो लॉकडाउन के तकरीबन 12 दिन शायद होगा, 12 दिन हो गया. तो मोदी जी ने कहा था कि आज रात 9 बजे हाँ सब प्रेयर करना, सब लाइट ऑफ, घर के जो लाइट वगैरह है उनको ऑफ करके छत या बैल्कनी में या डोर पे खड़ा होकर आप लोग मोमबत्ती या तो फ्लैश, आपका मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है वो भी जला कर आप प्रेयर कर सकते हो. वो बोला, मोदी जी ने बोला था कि 9 बजे 9 मिनट तक ये करना था. तो चलते हैं. इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव उसकी प्राप्ति के लिए ऊर्जा भी देता है, हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ट करता है. 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है. 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं. ध्यान से सुनिएगा, 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं. मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट. सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 8:56. सो और कुछ ही पल बाकी है कि वो वाले जो पूरा लाइट ऑफ करके हम लोग ऊपर छत में जाएंगे, वहाँ पर कैंडल थोड़ा जलाएंगे और फ्लैश लाइट वगैरह जलाएंगे. तो चलते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर मिलते हैं. पूरा चारों तरफ अंदर छाया हुआ है, पूरा का पूरा. वाह, आप लोग थोड़ा बहुत फोटोग्राफ देखिए. देख सकते हो कैंडल हमने जला दिए. बहुत सारे फानूस छड़ा हुआ है वहां पर.
सारे पानों से उड़ रहे हैं, मतलब दिवाली के तरह पूरा एक वहाँ पर देखो पानी छोड़ाया जा रहा है। पूरा दिवाली के तरह पूरा चारों तरफ कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ रहा है जैसे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सारे पटाखा फोड़ रहा है, मतलब धांस।
सो चलते हैं रूम पे मिलते। चले आए हैं आज छात से। सो 16 मिनट तक हम लोग दिया और कैंडल जलाया और मैंने भी फ्लैश लाइट जलाया हुआ था, आप लोग देख चुके होंगे। और मतलब बहुत सारे रिस्पॉन्स मिला है, जैसे कि हम लोग मोदी जी ने पहले भी बताया था कि कुछ दिन पहले मतलब शायद पिछले रविवार कि बहुत थाले घंटियाँ बजाने के लिए, बट बहुत सारे मतलब रिस्पॉन्स मिला था। इस बार भी बहुत सारे रिस्पॉन्स मिला है, जो फ्लैट वगैरह है उनमें बहुत सारे लोग कैंडल जला हुआ था, मतलब देख के अंदर से अच्छा लग रहा था। सो पूरा दिवाली के तरह सब जगह से पटाखा फोड़ रहा था कोई घर से मतलब। और सो कोरोना को जल्दी भगाने के लिए हम लोगों को जो लॉकडाउन पे रहने के लिए कहाँ है मोदी जी ने, मतलब वो एक अच्छा डिसीजन है। नहीं तो अमेरिका या इटली चाइना के भी देख लो, वहाँ पर पहले लॉकडाउन नहीं था, उसी कारण बहुत लोग संक्रमित हो जा रहा था। बट अभी उन लोगों ने मतलब एक दो मंथ पहले उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था, तब से जो कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ना बंद हो चुका है। और इंडिया में भी पहले बहुत ही कम मतलब कम लोगों में हुआ था, बट अभी तो बढ़ रहा है। मतलब कुछ लोग ऐसे ज़रूरत के बगैर ही बाहर चला जाता है घूमने, ये मत करिए। यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग रास्ते में निकल कर मतलब रैली निकल रहा है, ये उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। मोदी जी ने बोला था कि घर से बालकनी से या डोर में से आप कैंडल लेना, ये तो पूरा सड़क में भीड़ जमा है, ये बहुत ही गलत। सुबह बाजार में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे, बहुत सारे मतलब भीड़ भाड़ हो रहा है बाजार में, ये सब नहीं करना चाहिए। एक आदमी आए और घर का जो सामान वगैरह है वो खरीद कर ले जाइए, मतलब ज़्यादा उनके बाइक में 3-4 और भी आज आ रहा है, और मतलब एकदम भीड़ भाड़ वाला सीन हो रखा है सुबह, ये नहीं करना चाहिए। हम लोगों को सेफ डिस्टेंस में, जैसे कि 1 मीटर दूरी तक डिस्टेंस बनाए रखना है, और उसके बाद एक एक करके सामान दुकान वो सब खरीदना चाहिए। सो इतना जरूरत के बगैर नहीं निकलना चाहिए बाहर। सो आप लोग ये जो लॉकडाउन है उनको वो जो रूल्स है उसको मानिए, तो बहुत जल्दी ये जो वायरस है ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद लॉकडाउन बंद हो जाएगा। उसके बाद आप लोग लॉकडाउन को नेगेटिव मत लिया करो, लॉकडाउन को पॉजिटिवली लिया करो। जैसे आप लोग फैमिली को टाइम दे पा रहे हो, हाँ पहले क्या होता था आप काम पे सुबह निकल जाते मैक्सिमम लोग, बट अभी तो आप लोगों को घर में रहने का मतलब घर पे रहने को बोल रहा है, तो आप क्यों निकल रहे? अब जो टाइम है वो परिवार के साथ स्पेंड कीजिए, आप लोग कोई गेम वगैरह खेलिए, जैसे कि लूडो मैं भी खेला था, हर दिन खेलता हूँ, ठीक है। इंडोर वाले जितने भी गेम हैं हम लोग खेलते हैं, जैसे खाने के बाद हाँ थोड़ा गप्पे लगाते हैं, वो टाइम पे आप लोग अपने जो
जो हॉबी वगैरह है आप लोग उनमें फोकस नहीं कर पाते, वो हॉबी को आप इम्प्रूव कर सकते हो। हाँ, वो जो हॉबी है आपका, वो ऐसे गाना हो गया, अब वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, या ड्राइंग वगैरह तरह तरह की आप लोग कर सकते हो, और आप लोग फिल्म वगैरह भी, मूवी वगैरह देख सकते हो आप यूट्यूब या नेटफ्लिक्स से, और सो चिल मारो। लाइफ में ये 21 दिन दिया है आप लोगों के लिए, सो इसको पूरा का पूरा इस्तेमाल करिए। मैं एक गाने के म्यूजिकली वीडियो एडिटिंग किया था, आप लोग क्लिप देख सकते हो, दिखा रहा है ये बातचीत के बाद। लाल बिंदी में तू इतनी सोनी लगती, लाल बिंदी में तू इतनी, let me tell you, बात है सिंपल सी, आंखों से शुरू करूं या फिर बात है डिंपल की, ऐसे बुलाए, एक तो पहले 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 से मैं हाय। फिर बनाओ तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि इस तरह वीडियो आप लोग देखने को पसंद करते हो, सो इस तरह का वीडियो मैं और भी बना सकता हूँ, बहुत टाइम है। और हाँ, आप लोग घर बैठे बैठे आप लोग दिन में एक या एक आधा बार एक्सरसाइज भी कर सकते हो, आप लोग का जो बॉडी है वो फिट रखने के लिए थोड़ा फ्री हैंड एक्सरसाइज या मेडिटेशन वगैरह कर ही सकते हो। इतना फ्री टाइम है, आधा घंटा पौना आधा घंटा कर लोगे तो आपका जो बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो भी ठीक ठाक बना रहेगा। तो इतना ही कहना था। वो जो वीडियो क्लिप देख रहे थे उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पहले जो लिंक है वो ही है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, और शायद आई बटन में भी आ सकते हैं। सो इतना ही कहना था आज के लिए, इतना ही। और हाँ, हाथ को बार बार सैनिटाइज कीजिए, पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, और जब बाहर निकलोगे आप मास्क वगैरह पहन लीजिए, आपका सेफ्टी पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर बाहर जाइए, और आकर तुरंत ही हाथ साफ कर लीजिए, और जो कपड़े पहन के गए थे वो छोड़ कर धो देना या। सो टाटा, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।